ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद जैसे ही शराब ठेकों पर तालाबंदी क्या हुई कि अचानक शराब माफिया और तस्कर सक्रिय हो गए। कानपुर में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सक्रिय हुए शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर हरकत में आई पुलिस ने जनपद एटा के अलीगंज क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी अजय भदौरिया की नेतृत्व वाली टीम ने दर्जन भर से अधिक ग्रामीण इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें पुलिस को कई जगह से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। छापेमारी के दौरान पुलिस और आबकारी विभाग ने जैतरा थाना क्षेत्र के नदी के किनारे वाले इलाकों में भी छापेमारी की, जहां पुलिस को लहन से भरे ड्रम और धधकती हुई भट्टियां मिली हैं। फिलहाल पुलिस ने मौके पर सैकड़ों लीटर लहन को नष्ट करा दिया है और निर्माण की गई कच्ची अवैध शराब व उपकरणों को भी बरामद किया। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की खास रिपोर्ट। क्यों साहब, जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद अवैध शराब माफिया और तस्कर सक्रिय हुए, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनपद एटा के अलीगंज सर्कल क्षेत्र में आप लोगों ने जो बड़ी कार्रवाई करते हुए तमाम सैकड़ों लीटर लहन को नष्ट किया, और कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और क्या क्या कार्रवाई की गई अब तक? माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के अनुक्रम में श्रीमान वरिष्ठ सचिव महोदय द्वारा 3 दिवस का कच्ची शराब मिश्रण के विरुद्ध जो है अभियान चलाया गया, जिसमें सर्किल अलीगंज के जो है 3 थाना जैथा में कल हम लोग जो काली नदी है बेड़ में काफ़ी दूर 20 किलोमीटर चल करके हम वहाँ पहुँच करके और वहाँ पर दर्शन दी, तो वहाँ पर हमें कल एक भट्टी चलती हुई मिली, लेकिन वो नदी में कूद कर भाग गए और वहाँ पर करीब करीब 2000 लीटर लहन को नष्ट किया गया तथा 40 लीटर कच्ची शराब मिली, उनके ऊपर मुकदमा जो है पंजीकृत कर दिया गया है। इसी प्रकार से वहाँ पर दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 149/20 धारा 60 एक्साइज एक्ट में किया गया, अंकल सरोव जयवीर नगला ये रामनगर का रहने वाला है और दूसरा बेलपाल सरोव राम निवास ये खेतीपुरा का रहने वाला है, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई की गई। इसी क्रम में थाना अलीगंज में 6 मुकदमे कायम किए गए, 6 व्यक्तियों को पकड़ के जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। लगभग जो है 200-300 लीटर लहन को नष्ट किया गया और 150 लीटर शराब जो है कच्ची शराब जो मिली उनके विरुद्ध जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। इसी प्रकार थाना राजा के रामपुर में कच्ची शराब ले जाते हुए जो है उनके पहुँच पकड़े गए, उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई। राजा के रामपुर के बाद में जो है नया गाँव और जसलपुर द्वारा भी जो है उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है तथा